हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदर्स आईएएस एकेडमी। गाइस, आप सभी लोगों से अन एकेडमी कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आगे जीएस के क्वेश्चन लेके आए जो कि सॉल्व करेंगे, आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कोर्स के बारे में। अन एकेडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट एमपीपीएससी प्रीलिम 2022, प्री मॉक टेस्ट फरवरी 2022। नेक्स्ट, अन एकेडमी करंट अफेयर्स फ्री टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट, सीसेट फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट, एमपीपीएससी मेंस फुल लेंथ फ्री मॉक टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट, एमपीपीएससी प्रीलिम 2022 फ्री सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट, टारगेट 140 प्लस प्रीलिम 2022 मॉक टेस्ट सीरीज फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट, एमपीपीएससी एमपीजीके ब्रह्मास्त्र वीकली रिवीजन टेस्ट सीरीज फरवरी 2022। नेक्स्ट है आपका 8 मंथ फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस हिंदी मीडियम। ये बैच आपका 16 फरवरी 2022 से स्टार्ट है। नेक्स्ट, टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम 2022 60 डेज स्प्रिट बैच हिंदी मीडियम। ये बैच आपका 18 फरवरी 2022 से स्टार्ट है। नेक्स्ट, एमपीपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस बैच, ये बैच आपका 12 फरवरी 2022 से स्टार्ट है। और ये सारे बैचेस आपके जनवरी 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं, और इसमें से ये बैचेस आपके फरवरी 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। दो बैच आपका और स्टार्ट होने वाला है 24 फरवरी और 25 फरवरी से। तो आप सभी लोगों को कोर्स परचेस करना है, इसके लिए आप पीजी लाइव रेफर कोड यहाँ पे दिया हुआ, इसका यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं जो आज का हमारा क्वेश्चन है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल बृहद ताप विद्युत परियोजना को किस देश की सहायता से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है जर्मनी, जापान, पूर्व सोवियत संघ, ब्रिटेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र निम्नलिखित राज्यों में से कहां पर स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सा सबसे बड़ा है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश वित्त निगम, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, मध्य प्रदेश निर्यात निगम। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल। नेक्स्ट है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है। ऑप्शन है अमलाई 1950, भिलाई 1960, खंडवा 1953, देवास 1975। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका खंडवा 1953 में। नेक्स्ट है, पेश ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है। ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, छिंदवाड़ा। इसका आंसर हो जाएगा आपका छिंदवाड़ा। नेक्स्ट है, संजय गांधी विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है। ऑप्शन है सोहागपुर, बेशिंगपुर, पाथरखेड़ा, कटघोरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिरसिंहपुर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस ग्राम को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर बनाया गया है। ऑप्शन है अजीतपुरा मुरैना, कस्तूरबा इंदौर, घाटी गांव ग्वालियर, भैरवगढ़ उज्जैन। इसका आंसर हो जाएगा आपका कस्तूरबा इंदौर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, सीधी, इंदौर। इसका आंसर हो जाएगा आपका भोपाल। नेक्स्ट है, हाइड्रम पंप कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है खरगोन, खंडवा, बैढ़न, सीधी। इसका आंसर हो जाएगा आपका खरगोन। नेक्स्ट है, सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश राजस्थान। तो गाइज, आप सभी लोग पीजी लाइव रेफर कोड का यूज करना ना भूलिए, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो बच्चे कोर्स परचेस करना चाहते हैं वो लोग कोर्स परचेस कर सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।